हेलो एवरीवन, टेस्टी कुजिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल बटन है उसे भी क्लिक करें, उससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए आज की रेसिपी हम बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए हमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत होगी एक बार हम वो देख लेते हैं। मैदा लगेगा 200 ग्राम, पालक की प्यूरी 5 बड़े चम्मच, तेल 2 बड़े चम्मच, नमक 1 चम्मच, जीरा आधी छोटी चम्मच, अजवाइन 1 बड़ी चम्मच, काली मिर्च 8 से 10, पानी 1 ग्लास, करी पत्ता 8 से 10 और हरी मिर्च 2 से 3। शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल में हम अपना मैदा ले लेंगे और इस मैदे में हमने जो तेल लिया है वो तेल डालेंगे। ये तेल हम मोयन के लिए यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसे आप दोनों हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जब मैदा और तेल अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो उनमें लम्स फॉर्म हो जाते हैं। आप थोड़े से आटे को लेकर के अपने हाथ में रखेंगे और मुट्ठी बनाएंगे तो वो आपका आटा एक इकट्ठा होकर के जम जाता है, वो फैलता नहीं है। इसका मतलब है हमने जो तेल लिया है वो सही मात्रा में लिया है। अब हम इसमें अपने बाकी के इन्ग्रीडियंट्स डाल लेंगे। हम यहाँ पर काली मिर्च, अजवाइन और जीरे का भून करके पाउडर बना करके डाल देंगे। हम इसमें हरी मिर्च और फिर करी पत्ता का जो हमने पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे, पालक की प्यूरी डाल देंगे, नमक डाल देंगे और इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके पानी की हेल्प लेकर के हम आटा लगा लेंगे। पानी हमें थोड़ा थोड़ा डालना है। हम यहाँ पर ये जो आटा लगा रहे हैं, हम जितना पूरी के लिए सख्त आटा लगाते हैं उतना ही सख्त हम आटा लगाएंगे और आटा लगाने के बाद हम उसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो थोड़ा सा फर्म हो जाए। जो नमक होता है वो थोड़ा फर्म कर देता है। 5 मिनट के बाद हम इसे दोबारा से खोल कर देखेंगे और आटे को लेकर के उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे और उन लोइयों को हम पतले आकार में बेल लेंगे। पतले आकार में बेलने के बाद हम उसे इस तरह से काट लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में किस तरह आपको दिखाया, हमको पतली पतली स्ट्रिप्स काटनी है और इन स्ट्रिप्स को काट करके हम एक प्लेट में रख लेंगे। इन्हें थोड़ी देर के लिए हम सुखा लेंगे और तब तक के लिए हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तो हम उसमें एक छोटा सा टुकड़ा डाल करके चेक कर लेंगे कि हमारा आटा गर्म, तेल गर्म हो चुका है या नहीं। अब हम इसमें हमने जो पालक के पतले पतले फिंगर्स काटे हुए हैं उन्हें डाल देंगे। ध्यान रखें यहाँ पर तेल शुरुआत में गर्म होना चाहिए, लेकिन बाद में जैसे ही हम इनको डालते हैं हमें गैस की आँच धीमी कर देनी है। धीमी आँच पर तलने पर ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची होते हैं, इसलिए हम गैस की आँच धीमी कर देते हैं और इन्हें धीमी आँच में ही चलाते हुए सारे तरफ से तल लेते हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से क्रंची हो गए हैं। मैंने अपने कैमरे को जूम किया है यहाँ पर। ये नाश्ता सूखा रहता है, मतलब हम इसे 8 से 10 दिनों तक किसी भी एयरटाइट डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। गर्मियों के सीज़न में या फिर कभी भी आपको लगता है कि शाम के चाय के समय हमें कुछ नाश्ता चाहिए तो आप इसे बनाइए और घर पर अपने इसे ट्राई कीजिए। आपकी फैमिली को ये बहुत ही अच्छा लगेगा क्योंकि ये थोड़े से इसमें पालक डले हुए हैं तो ये हेल्दी भी है। आप इसे बच्चों को भी खिला सकते हैं और बड़ों के लिए भी ये अच्छा है। तो आप ये रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में।